हाय एवरीवन, तो मैं हूं आदिल मलिक एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल मलिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से पांच कॉइन या क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं आप बाय करें जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं इन फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉइन जो है हमारे पास ये है रिप्पल। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिप्पल जो है ये अभी सेकेंड नंबर पर रैंक कर रहा था इतने महीनों से, पर अभी ये थर्ड नंबर पर आ चुका है। रीज़न सिंपल है, क्योंकि इसने प्राइस जो इसका हाई गया था इतनी तेज़ी से एंड उसके बाद जो गिरा इतनी तेज़ी से, तो उसी की वजह से थर्ड नंबर पे आ चुका है। पर ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसे बाय करना है, क्योंकि इसका प्राइस जो गया था वो $3.8 गया था एंड अब इसका प्राइस 2.06 चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है इसे बाय करने का। एंड इसे आप होल्ड कर सकते हैं, तो आप इसे होल्ड करके भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एंड इसमें रोज़ाना हाई एंड लो प्राइस होता रहता है, तो इसमें आप ट्रेडिंग करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कॉइन। एंड जो हमारा सेकंड कॉइन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सर्च करके। कॉइन मार्केट कैप की ये साइट है जिस पे हम सर्च कर रहे हैं हर कॉइन, ये ऑफिशियल साइट है, ये हर कॉइन आपको इस पर मिल जाता है जिसके बारे में आप जानना चाहें। तो सेकेंड कॉइन जो है वो है हमारा वर्ज। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा कॉइन है आपके लिए, ये भी आपको बिट्रेक्स पे भी मिल जाएगा एंड आप और एक्सचेंज देख सकते हैं, क्योंकि मैं बिट्रेक्स का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसलिए बिट्रेक्स का ही ज़्यादा पता है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका 0.15 जो चल रहा है प्राइस, वो भी काफ़ी सही चल रहा है, क्योंकि अभी गिरता हुआ प्राइस चल रहा है। आप चाहें तो इस टाइम इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम गिरता नहीं है प्राइस, प्राइस ज़्यादातर उठा ही रहता है। एंड आप इसे देख सकते हैं रैंक नंबर 22 पे ये रैंक कर रहा है। इसका अभी तक रैंक 19 और 25 के बीच में ही रहती है इसकी रैंक, इससे कभी भी पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो थर्ड कॉइन जो हमारे पास है, एंड आप इसका प्राइस तो देख ही सकते हैं बहुत ही कम है। थर्ड कॉइन हमारे पास जो है दोस्तों, उसका नाम है इलेक्ट्रोनियम। और इलेक्ट्रोनियम तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, मैं आपको सही बताऊँ, एंड उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसको सर्च कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोनियम कॉइन। इसका आपको ऐप भी मिल जाता है, उससे मोबाइल ऐप से आप कुछ इलेक्ट्रोनियम माइन कर सकते हैं, पर वो ऐप जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत से फ़ोन में, मेरे फ़ोन में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इसको आपको बाय करने के लिए अभी ये सिर्फ क्रिप्टोपिया जो एक्सचेंजर है वहीं पर अवेलेबल है। एंड मैं आपको बता दूँ, अगर हम इनकी साइट पर जाएँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, इनकी साइट पर जाएंगे हम वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये अभी क्रिप्टोपिया पे अवेलेबल है एंड हमने अप्लाई कर रखा है और भी एक्सचेंजेस पे से लाने के लिए। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, बहुत से ऐसे साइट सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए लिस्टिंग क्रिप्टोपिया पे ये अभी एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मींस वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। क्रिप्टोपिया भी बिट्रेक्स पोलोनिक्स इनकी तरह ही एक साइट है जो एक्सचेंज करवाती है आपके बिटकॉइंस को, ये आपको बाय करवाती है एंड वहाँ से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो अभी ये सिर्फ इस पे ही अवेलेबल है। तो आपको मैंने क्या बताया, अगर इस पे ही अवेलेबल है जब इसका प्राइस इतना है, देखिए 0.18 है, इसका प्राइस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने भी इसे बाय करा था $0.15 पे, अभी मेरे को समझ लीजिए प्रॉफिट हो ही चुका है थोड़ा बहुत। एंड मैं आपको बता दूँ क्यों इसका प्राइस बढ़ेगा, अभी इन्होंने देखिए यहाँ पे अप्लाई कर रखा है जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वर्ल्ड के, लिक्विड पोलोनिक्स बिटरेक्स एंड एवर कॉइन एंड बिट फिनिक्स लिव कॉइन एग्जोमो, तो मतलब देखिए इन सब पे इन्होंने अप्लाई कर रखा है। एंड अगर ये किसी भी एक्सचेंज पे अभी भी आ गया, अगर वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया इसका, जो कि आप देख सकते हैं स्टेटस अप्लाइड में चल रही है अभी, तो मैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है फरवरी के मिड या फरवरी के लास्ट तक ये सभी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड जब भी अवेलेबल होगा तो लोगों में ज़्यादा फैलेगा ये, और लोग ज़्यादा बाय करेंगे तो प्रॉफिट आपको होना ही होना है। तो इसे आप बाय कर सकते हैं क्रिप्टोपिया से। क्रिप्टोपिया का सिंपल प्रोसेस होता है, आपको जैसे फेसबुक पर आईडी क्रिएट करते हैं वहाँ पे आईडी क्रिएट करनी होती है एंड वहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। सबसे अच्छी बात ये है, बिना वेरिफिकेशन के, मीन्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना है एंड वहाँ पे आप बिटकॉइन सेंड करके बाय कर सकते हैं। मैं आगे आपके लिए इसके लिए वीडियो ला दूंगा, या आप खुद भी खुद कर सकते हैं, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, क्रिप्टोपिया का। एंड थर्ड कॉइन जो हमारे पास दोस्तों है, उसका मैं आपको बताता हूँ, वो है सिया कॉइन। अभी इसका हार्ड फोक हुआ था कुछ दिन पहले, काफ़ी लो प्राइस पे मिल रहा था, फिर उसके बाद जो 2-3 दिन के अंदर ये गया था हाई, लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था, पर इसका प्राइस फिर लो आ गया है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी बाय कर सकते हैं। अभी ये रैंक नंबर 26 पे शो हो रहा है एंड ये बिटरेक्स पे अवेलेबल है, ठीक है। बिटरेक्स पे आपको काफ़ी
वेरीफाई करना पड़ता है अपना अकाउंट। बिट्रेक्स की भी मैं आपके लिए आगे वीडियो ला दूंगा, आप इस चैनल से जुड़े रहिए या आप खुद भी वहाँ bittrex.com लिख के सर्च कर सकते हैं। एंड मैंने बिट्रेक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कॉइन, इसका प्राइस भी लो है अभी, अभी आप बाय करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी मेरा आपको ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि मैं आपको बता के कुछ अर्न कर लूँगा, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कॉइन जिनका प्राइस अभी बहुत ही लो है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक पे शो हो रहा है। मीन्स रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक अगर यहाँ पे 26 है तो मान लीजिए रैंक 26 पे जो ये कॉइन शो हो रहा है तो मान लीजिए ये बहुत ही अच्छा, लोग इसे पसंद कर रहे हैं जब भी रैंक 26 पे शो हो रहा है आपको। एंड लास्ट कॉइन जो हमारा है ये है सिविक। इस कॉइन के बारे में आपको बता दूँ, ये 40 से लेके 80 90 के बीच में रहता है हर वक्त। मीन कभी इसकी जो ट्रेडिंग है, जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग इसे सेल बाय करते रहते हैं तो इस वजह से इसकी रैंक काफ़ी ऊपर नीचे जाती रहती है, पर ये काफ़ी थोड़ा $1.20 का है तो आप इसे चाहे तो बाय कर सकते हैं। मैं इसके लिए ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगा इस वाले कॉइन के लिए, पर जो मैंने आपको पिछले 4 कॉइन बताए उनमें से जो 2 कॉइन थे रिप्पल और इलेक्ट्रॉनियम, वो आपको काफ़ी तकड़ा प्रॉफिट देंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनियम तो आपको देने ही देने वाला है प्रॉफिट, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक एक्सचेंज पे अवेलेबल है जब उसका प्राइस ये चल रहा है। मान लीजिए अगर वो 2-3 एक्सचेंज पे और आ गया तो फिर तो आप सोच नहीं सकते क्या होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो हमारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही क्रिप्टो करेंसी एंड टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड अलविदा।